सो आज की इस वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे CDLSIT चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पन्नी वाला मोटा एक रूरल एरिया पर जाता है वहाँ जो लोकेटेड है ये कॉलेज, इसके बारे में ऑब्वियसली अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इमेज आप देख लीजिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का, चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट का। ऑब्वियसली इसका एक यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। पहले इस कॉलेज का नाम हुआ करता था चौधरी देवीलाल मेमोरियल कॉलेज, कुछ करके ऐसा हुआ करता था। कैंपस टूर शायद से आपने देख लिया होगा, तो ये एक व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा अपन नीचे चलते हैं, यहाँ पे स्टैट्स एंड रैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं। स्टैट्स एंड रैंकिंग में ज़्यादा कुछ लिखने को थी नहीं, क्योंकि कॉलेज जो है उतनी ज़्यादा डेटा, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट के ऊपर इस कॉलेज के बारे में अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अंदर की बात है। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 2003 के अंदर। 45 एकड़ का कैंपस है इसका और ये अप्रूव्ड है AICTE एंड UGC से। तो बात समझ गए, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एडमिशन, इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, सिंपल चीज़ है। पहले आपको यू नीड टू अटेम्प्ट JEE मेन्स एग्जाम एंड देन देयर विल बी काउंसलिंग डीम्ड ऑन HSTS काउंसलिंग से आपको अप्लाई करनी है सारी चीज़। चाहे आप BTech के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर BTech लीड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आपको जो लीड के अंदर, देखो मैं थोड़ा सा नीचे बताऊंगा लीड के बारे में, तो वो भी ध्यान से आप जरूर से सुन लेना। गेटिंग टू दिस कॉलेज इज प्रीटी ईजी बिकॉज देयर इज अ फिजिकल राउंड एज वेल इन विच यू कैन गेट दिस कॉलेज एज वेरी लो रैंक। बहुत कम रैंक पे भी ये कॉलेज मिल जाता है फिजिकल काउंसलिंग के अंदर, एंड इन फिजिकल काउंसलिंग यू कैन गेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड्स एज वेल। तो आप अपने बोर्ड्स के स्कोर पे भी इस कॉलेज को ले सकते हो, इसलिए ये कॉलेज जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस कॉलेज का ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि ये है वो है, कुछ नहीं, ठीक है। अब फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं, फ़ी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। फ़ी जो है पर सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी आपको लगेगी 42,000 पहले ईयर में। यहाँ पे मैंने पर सेमेस्टर लिखा है, लेकिन यहाँ पे 42,000 आपको पहले ईयर में, और सेकेंड ईयर से आपकी 2,000 कम हो जाएगी, 40,000 हर साल की आपकी लग रही होगी अगले 3 साल तक। उसके बाद हॉस्टल फ़ी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 एक साल के लगेगी, 11,000 भी लग रही है लगभग में, 10,000 आपका लगेगा अप्रॉक्स मैं मान लेता हूँ। मेस फ़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पर मंथ आपको मेस फ़ी आपको देनी होगी इस कॉलेज के अंदर, और ये भी बहुत कम है मेरे हिसाब से, मेस फ़ी 4,000 पर मंथ है ना। अब कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज पे अपन पहुँचे कैसे, इस कॉलेज कैसे जाए कॉलेज बेसिकली, है ना। तो देखो कॉलेज जो है थोड़ा सा रूरल एरिया में, जैसा कि मैंने कहा वो है हिसार एयरपोर्ट जो कि है वो 114.6 किलोमीटर की दूरी पे है हिसार एयरपोर्ट, और 23.8 किलोमीटर सिरसा सिटी से, यानी कि आप सिटी से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पे ये कॉलेज है, एंड 291.2 किलोमीटर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिटी इज़ रियली फार फ्रॉम कॉलेज, 35 रुपये लगते हैं सिरसा जाने का। ऑब्वियसली कॉलेज जो है सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर कह लें सिटी बहुत दूर है कॉलेज से, 35 से 40 रुपये आपके लग रहे होंगे आपको अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है शहर जाना है, फिर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। सीट मैट्रिक्स में देख लो आप, CSE के अंदर ऑल इंडिया के अंदर 9 सीट्स हैं, 51 यानी हर ब्रांचेस के अंदर 60 सीट्स हैं, तो उन्हें 15% ऑल इंडिया के लिए रहता है और बाकी होम स्टेट के। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, फिजिकल राउंड के अंदर ऐसा हो जाता है सारी सीट्स ओपन में आ जाती है, तो काउंसलिंग में किसी तरीके का होम स्टेट या फिर अदर स्टेट नहीं होता, तो फिजिकल काउंसलिंग। इन केस ऑफ लेटरल एंट्री देयर इज नो सच बैरियर, यू कैन इजिली टेक एडमिशन हियर। लेटरल एंट्री के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि इतनी सीट्स रिजर्वड है, इतनी सीट्स है, लेटरल एंट्री में कितने भी लोग एडमिशन ले सकते हैं। सिंस लेटरल एंट्री में ऐसे कॉलेज में लोग जाएंगे नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो दिस इज द बेस्ट वन जिसके साथ आप जा सकते हो। ओके कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये 2021 का कट ऑफ है, इट इज़ ऑफ 2021 दिस ईयर का कट ऑफ बीटेक का। CSE ऑल इंडिया कैटेगरी में इतने के लिए क्लोज हुई है ऑनलाइन के लिए, ये ऑनलाइन जो हुई थी HSTS की काउंसलिंग उस पर मैंने बताया है उसको देख के, है ना। लेकिन फिजिकल काउंसलिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, लाइक CSE 136,000 पे मिली है और मेरे हिसाब से GJU में 136 पे मिल जाती है, तो ये जो है 6 लाख 7 लाख तक जाने वाली है ऑफलाइन के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनफैक्ट बिना JEE रैंक के भी आप इस कॉलेज के अंदर CSE वगैरह ले सकते हो, विच इज़ प्रीटी इजी। मेरी जो सिस्टर है वो इस कॉलेज के अंदर CSE में पढ़ रही है, उसने JEE नहीं दिया था लेकिन उसके बोर्ड्स में 68% मार्क्स थे बिहार बोर्ड से, फिर भी उसको CSE मिल गई वहाँ उस कॉलेज के अंदर। तो आसान है थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा दिस इज नॉट द रियल डेटा जो कि आपको दिख रहा है, इसके बीच में एक दीवार लगा हुआ है, अगले साइड कुछ और होता है, ठीक है।
और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में कटअप वगैरह देख सकते हो, उसके लिए आप देख सकते हो बिल्कुल। हाँ जी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी की मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी इज़ क्वाइट गुड देयर। कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। इसकी जो मैचेस वगैरह होते हैं उसको जो है यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी मैंने सुनी है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है यहाँ का। बिकॉज ऑफ द कैंपस दैट दे हैव प्रीटी यूज एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कोर्सेज दे प्रोवाइड, बिल्कुल ये बीटेक प्रोवाइड करते हैं। 45 एकड़ कैंपस इज नॉट वेरी मच स्मॉल, और इसलिए मैं मानता हूँ कि इनका कैंपस बहुत ही शानदार सा है, बिल्कुल मेंटेन्ड है, 45 एकड़ है, कोई ज़्यादा साफ सफाई वाली बात नहीं है ना, तो वो चीज़ है ना। देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन हैपनिंग, सो ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर इज गुड, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कल्चर इनका बहुत ही शानदार सा है। ओके, एक इमेज यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तो ऑब्वियसली मैंने लगाया है, ये शायद इनका वो है बॉयज हॉस्टल है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, नो वाईफाई इन हॉस्टल एज पर आई नो, बॉयज हॉस्टल में वाईफाई हो सकता है लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में, जैसा कि मुझे पता है मेरी बहन वहाँ पे है, तो वाईफाई की फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर नहीं है। एंड हॉस्टल फैसिलिटी इज़ गुड एज पर दे आर चार्जिंग ओनली 10,000 पर ईयर, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सबको सेपरेट बाथरूम वगैरह मिला है, इनफैक्ट गर्ल्स को जो है सिंगल रूम मिला है, बट बॉयज़ हैव टू मैनेज विथ टू इन वन रूम, ठीक है, तो जो कि बहुत ख़राब नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्वालिटी ऑफ मेस फूड इज़ नॉट दैट गुड, ऑब्वियसली कॉलेजेस के अंदर अब मेस फूड उतना अच्छा माँ के हाथ का थोड़ी ना होगा यार, तो वो अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाता है प्लेसमेंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण प्लेसमेंट, भाई प्लेसमेंट। तो देखो यार, प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट ब्रांचेज परसेंटेज प्लेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज प्लेस सीएससी के अंदर मात्र 15% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस कॉलेज से बहुत सारे लोग गेट वगैरह क्वालिफाई कर चुके हैं, आज के समय में उनकी जॉब 35, 40, 45 लाख पर एनम की जॉब है। तो कभी भी ये मत समझना, देखो दोस्त, कभी भी होता ये है कि आप अगर आज सिविल से जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपकी जॉब 7 लाख की लग जाती है, सीएससी वाले की 3 लाख की लगती है, लेकिन आने वाले समय में आपका जो 7 लाख से 15 होगा, 20 होगा, लेकिन उस सीएससी वाले की 3 लाख से उसकी 3 करोड़ भी हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखना दोस्त। तो इसलिए सीएससी में स्कोप है, सीएससी में हाइक कुछ भी हो सकता है, ऊपर कहीं भी आप जा सकते हो, लेकिन सिविल में, मैकेनिकल, अदर ब्रांचेस में जो है ऊपर आप एक पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए ब्रांचेस चूज़ करना वाइजली, प्लेसमेंट देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं कितने फैकल्टी पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप इन कॉलेजेस में जा रहे हो तो आप ध्यान देना कि फैकल्टी कितनी अच्छी है, जो कि मुझे सिखा सके, ताकि मैं उसका फ्यूचर में यूज़ कर सकूं। बस आपको इतना ध्यान देना, प्लेसमेंट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना इन कॉलेजेस के अंदर, मेरा ये मानना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट 81.82% होती है, इलेक्ट्रिकल की 70%, ईसी की 66.67 एंड सीएससी की आपने बताएं, सिविल का भी इन प्रोग्रेस, एवरेज पैकेज वही 3 लाख पर एनम। कंपनीज कौन कौन सी आती है, कभी कभी ये प्रश्न आता है, तो कंपनीज देखो दोस्त, इन्फोसिस आती है, टीसीएस आती है, स्मार्ट सॉल्यूशंस, टेली सर्विसेज है, मारुति सुजुकी है, कैपेगेमिनी है, बायजूस आई थी, 10 लाख का पैकेज दिया था सीएससी वालों को, है ना। अब यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर अपन आ जाते हैं, आज अपन हर वीडियो में कंक्लूजन देते हैं, हर रिव्यू के अंदर। तो देखो, फैकल्टी को मैंने 6 out of 10 दिया, क्यों दिया, क्योंकि अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, तो फैकल्टी ऐसी है कि आपको हिंदी में समझाएगी, इंग्लिश का यूज़ थोड़ा सा कम करेगी। और मैंने ऐसा सुना है कि फैकल्टी वगैरह जो है, कुछ मैम्स वगैरह ऑनलाइन क्लास लगा देते हैं और उधर अपनी फैमिली रिश्तेदारों से बात करने लगते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी है, तो इसलिए मैंने 6 out of 10 थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, क्योंकि इनके टीचर अच्छे से समझाते हैं सारी बातों को, मैंने देखा, मैंने खुद 2-3 क्लासेस अटेंड किया है, ठीक है, सिंस मेरी सिस्टर पढ़ती है, अभी तो सारा चीज़ ऑनलाइन चल रहा है ना। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल इज़ 5 out of 10, नॉट दैट गुड और नॉट दैट, वाईफाई वगैरह नहीं, वाईफाई इज़ द लाइफ लाइन यार, वाईफाई होगा तो सब कुछ होगा। स्पोर्ट्स की बात करूँ, 6 out of 10 दिया, क्यों दिया है इतना कम, इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लाइक जीजे विसार वगैरह में अगर परफॉर्मेंस आप देते हो अच्छा, तो कॉलेज लेवल मैचेस होते हैं, अच्छी चीज़ें होगी आगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन इन कॉलेजेस के अंदर बस आप कॉलेज तक सीमित रह सकते हो। मेस फूड की अगर मैं बात करूँ तो मेस फूड का देखो 5 out of 10 दिया है, मैंने 5 out of 10 मैंने सभी कॉलेजेस को दिया, YMCA को भी मैंने 5 out of 10 दिया मेस फूड के अंदर। प्लेसमेंट इज़ 4 out of 10, क्यों भाई, क्योंकि देख लो यहाँ पे 3 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज, इसलिए।
ROI 6 out of 10। क्यों 6 out of 10? इसलिए क्योंकि यार इनकी फी बहुत कम है, 40,000 एक साल में आपसे ले रहे हैं, ज़्यादा आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो 40,000 आपसे ले रहे हैं, 6 out of 10 ठीक है। ओवरऑल 5.5 out of 10 इस कॉलेज को मैंने दिया, विच इज़ क्वाइट गुड, खराब नहीं है बिल्कुल भी, है ना, खराब नहीं है बिल्कुल भी। एंड धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस रिव्यू को आपने देखा। ओवरऑल मैं अगर आपको कहूँ, ये कॉलेज आपको अगर मिल रहा है, आपकी रैंक अगर 3 लाख 4 लाख 5 लाख है, CSE से आपको पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट कॉलेज है और आपके लिए बढ़िया कॉलेज, आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए। फिजिकल काउंसलिंग अटेंड करो, 5 लाख 6 लाख तक CSE वगैरह इस कॉलेज में आपको मिल रही होगी, ठीक है। आपने JEE नहीं भी दिया, बोर्ड के बेसिस पे भी आपको इस कॉलेज में CSE EC वगैरह मिल जाएगी। एंड CSE EC यहाँ पे आपको प्लेसमेंट जरूर से नहीं लगेगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया प्लेसमेंट लग जाएगा, ना ना नहीं, लेकिन यार फ्यूचर में CSE वगैरह का बूम आने वाला है। फ्यूचर के अंदर आप अगर सिविल से होगे तो ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, मे बी कि स्टार्टिंग में आपकी जॉब लग जाए लेकिन बाद में दिक्कत होगी, लेकिन CSE में स्टार्टिंग में नहीं लगेगी लेकिन बाद में होगे। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखना कि CSE वगैरह फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को।